जनरल में आपका खैर मकदम है। आज हम हैं श्रीनगर सिटी के हट में, लाल चौक में हैं हम। 370 हटाने के बाद भी जो मरकज़ का फैसला 5 अगस्त को आया था, उसके बाद कश्मीर के तमाम ज़िले जो हैं वो बंद रह चुके हैं और कंप्लीट जो शटडाउन है वो बरकरार रह चुका है। उसके बाद भी जो यहाँ पे इंतज़ामिया हैं, जो यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे कश्मीर को रिज्यूम करने की कोशिश की, यहाँ पे नॉर्मल सी लाने की कोशिश की। स्कूलों को खोलने का जो आदेश दिया गया, पहले प्राइमरी लेवल तक, उसके बाद आठवीं जमात तक जो मिडिल स्कूल्स हैं उनको खोलने की यहाँ पे हिदायत दी गई हैं। उसके बाद जो है फ़ोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी वो बदस्तूर बंद है। उसके बाद यहाँ पे जो लैंडलाइन की जो खिदमत हैं उसको बहाल कर दिया गया है, कई पहले कई अज़ला में बहाल किए गए हैं। अगर हम आज देखें, आज पूरी वादी में जो लैंडलाइन की जो खिदमत हैं वो पूरी तरह से रेस्टोर की गई हैं, लेकिन अगर इंटरनेट या मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें वो बदस्तूर बंद हैं। अभी 2 महीने होने वाले हैं, कुछ 2 दिन बाकी हैं 2 महीने में, तो कंप्लीट जो शटडाउन है यहाँ देखने को मिल रहा है। ज़िला जो यहाँ पे जो आला अधिकारी बैठे हैं वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कब तक कश्मीर नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएगा। अगर हम देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहाँ हमें देखा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हमें देखेंगे तो वो अभी तक रिज्यूम नहीं हो पाया है फुली कश्मीर में। जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हैं वो धीरे धीरे उसकी जो इंक्रीज़ होने लगा है कश्मीर में। अभी देखने वाली बात ये होगी कब तक कश्मीर में नॉर्मल सी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी। चंदवन के लिए श्रीनगर से ज़ुहूर अहमद की रिपोर्ट।